आइए दोस्तों, आज के वीडियो में Realme Buds Wireless, तो इसका मैं कंप्लीट रिव्यू करने वाला हूँ। कैसा है Realme Buds, तो आप क्या लेना चाहिए या नहीं Realme Wireless Earbuds, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले, वैसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये है Realme Wireless Buds, जैसे कि आप देख रहे हैं वेरी यूनिक डिजाइन, वेरी यूनिक लुक दिए है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी हो, डिजाइन एंड कम्फर्ट हो, हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। वैसे ही लास्ट में ऑडियो क्वालिटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ऑडियो क्वालिटी आप सुनकर थोड़ा चौंक जाएंगे कैसा है इसका करके, तो वहाँ तक आप बने रहिए, वीडियो को देखिए। सबसे पहले इसका डिज़ाइन एंड पैकेजिंग हम देखते हैं। एक्चुअली Realme का पैकेजिंग जो होता है, कोई भी मोबाइल फ़ोन्स हो या फिर एक्सेसरीज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्रीमियम पैकेजिंग करते हैं, इवन दो बजट प्राइस पर ऑफर करते हैं, तो इनका पैकेजिंग वेरी अप्रिशिएबल है। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं, जैसे मेरा ओपिनियन है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो चलिए पैकेजिंग के बाद हम देखते हैं बॉक्स में। तो आपको ईयर टिप्स मिलता है, तीन वैरायटी का ईयर टिप्स, विच इज़ लाइक रबरी है, लेकिन ये भी एक थोड़ा यूनिकली डिज़ाइंड ही मैं कह सकता हूँ ईयर टिप्स। तो ईयर टिप्स के साथ आपको हेडफोन ऑब्वियसली मिलता ही है, एंड माइक्रो यूएसबी केबल भी है, एंड जैसे कि आप पैकेजिंग भी देख चुके हैं बहुत ही यूनिक है। तो डिज़ाइन एंड कम्फर्ट वाइज एक्चुअल में Realme Buds कैसा है? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर नेक बैंड जैसे कि आप देख रहे हैं वेरी कंफर्टेबल है, रबरी फिट है इसका, तो इसके वजह से ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिलता है, रनिंग हो या फिर वॉकिंग हो या फिर कोई भी एक्टिविटीज अगर करते हैं तो इंटेंस वर्कआउट एक्टिविटीज़ के लिए भी सूटेबल है ये नेक बैंड। सो ये तो पॉजिटिव लगता है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा ऑडियो क्वालिटी तक आप बने रहिए, तो वो सुनकर आप फिर बाद में डिसाइड कीजिए कि ये लेना है या नहीं। तो इसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं ईयरबड्स इटसेल्फ, तो यहाँ पर ईयर कैन, ईयर टिप भी है, तो ये रबराइज्ड जो है वो ठीक से ईयर में बैठता है, तो इसके वजह से वेरी वेरी नाइसली बिल्ट मैं कह सकता हूँ। लेकिन इसका एक नेगेटिव है, वो है कि ये एक्चुअल में ईयर कैंस जो है थोड़ा बड़ा लगा मुझे, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं प्रोट्रूड आउटसाइड, मतलब बाहर थोड़ा आता है कान के बाहर, तो थोड़ा ख़राब दिखता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ज़्यादा देर तक अगर पहन के आप जाएंगे तो थोड़ा वेट आप महसूस कर सकते हैं Realme Wireless Buds में, तो ये एक थोड़ा नेगेटिव कह सकते हैं। अगेन लुक्स के वाइज तो बहुत ही बढ़िया दिखता है, एंड इवन 3 कलर्स में अवेलेबल भी है, तो आई थिंक कंफर्ट के हिसाब से मैं 5 को 4 देता हूँ रेटिंग, तो विच इज़ नाइस मैं कह सकता हूँ। एंड यहाँ पर आप कंट्रोल्स देख सकते हैं, इसका ये एक यूनिक है, मतलब कि एक कूल थिंग मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। तो Realme Buds जैसे आप ऐसे स्नैप करते हैं ना दोनों बड्स, तो पावर ऑफ हो जाता है, जैसे ही आप रिमूव करते हैं तो पावर ऑन होकर अपने आप पेयर होने लगता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया इन्होंने बनाया है, वेरी नाइसली थॉट मैं कह सकता हूँ Realme की तरफ से। तो सारे के हेडफोन्स ऐसे ही अगर होते तो जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन होकर पेयर होना स्टार्ट कर देते हैं, तो सेपरेटली आप बटन को ऑफ एंड ऑन ऐसे नहीं कर सकते हैं, विच इज़ अगेन वेरी नाइस थिंग। तो ये तो स्वेट रेजिस्टेंट ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो यूएसबी आप देख सकते हैं टोटली ओपन है, इसका फ्लैप भी नहीं क्लोज करने के लिए, यूएसबी सी नहीं, चार्जिंग के लिए माइक्रो यूएसबी है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं बटन्स जो है वो बहुत ही ख़राब है दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर आपको सेपरेट से टैक्टाइल क्लिक जो हम कहते हैं वो सेटिस्फाइड क्लिक आपको ज़रूर नहीं मिलेगा, सो ये एक नेगेटिव है इस चीज़ का। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस और माइनस है, एंड बीच में आप गूगल वॉइस असिस्ट या फिर अमेज़न का अलेक्सा, तो ऐसे आप वॉइस असिस्ट यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मिडिल बटन, बट स्टिल जैसे कि मैं कह रहा था टैक्टाइल फिनिश नहीं है, इससे आपको थोड़ा नुकसान होगा कि यार यहाँ पर मैं प्लस कर रहा हूँ या फिर वॉल्यूम माइनस कर रहा हूँ, तो ठीक से आपको जल्द से पता नहीं चलेगा। तो इसके बाद हम जानेंगे बैटरी बैकअप, तो इसका बैटरी बैकअप सबसे बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू अदर हेडफोन्स, क्योंकि अराउंड 12 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है, प्ले टाइम दैट टू म्यूज़िक हो या फिर मूवीज़ हो, बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप है। जैसे कि आप सोचिए वर्कआउट कर रहे हैं सुबह तो यूज़ कर चुके हैं 1-2 घंटा, एंड फिर आप शाम में कुछ सुनना चाहते हैं तो आराम से अराउंड 80% बैटरी बैकअप रहेगा, बचा रहेगा, तो ईजिली आप सुन सकते हैं, एज वेल एज फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, अगेन विच इज़ वेरी नाइस एंड अप्रिशिएबल। लाइक 10 मिनट्स अगर आप चार्ज करेंगे इस चीज़ को तो आराम से 1 आवर तक आप प्ले करके सुन सकते हैं, हाउ कूल इज़ दैट। तो ये सारा जो एडवांटेज आपको लगता है वो आपको ऑडियो क्वालिटी में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, तो ये एक मेजर एडवांटेज नहीं डिसएडवांटेज है। द नेक्स्ट इज़ ऑडियो क्वालिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप ठीक से सुनिए। अगर आप चैनल सेपरेशन चाहते हैं, सराउंड साउंड चाहते हैं अपने हेडफोन्स में, तो ये आपको ज़रूर देगा, तो सेटिस्फाइड सराउंड साउंड देगा आपको ये
वायरलेस हेडफोन्स, लेकिन अगर आप एक थोड़ा वोकल्स क्लैरिटी चाहते हैं या फिर वॉल्यूम में ज़्यादा चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल ख़राब है ये हेडफोन्स। जैसे कि अभी जस्ट मैं ऐसे पहनता हूँ तो लाइक वॉल्यूम इंक्रीज़ करने लगता हूँ तो मुझे लगेगा कि यार और वॉल्यूम चाहिए था, मतलब कि टोटल वॉल्यूम में बिल्कुल कम है। जनरल वॉल्यूम में अगर आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं, मूवीज़ हो या फिर म्यूज़िक हो, ये ईयरफोन्स मूवीज़ के लिए बना है। अगर आप मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं तो मूवीज़ के लिए एक हेडफोन्स ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ वर्थ पेइंग फॉर द प्राइस व्हाट इट इज़ आस्किंग फॉर। सो रियलमी वायरलेस बड्स अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो ही खरीदी कीजिए, अगर आप म्यूज़िक भी सुनना चाहते हैं एज वेल एज मूवीज़ भी देखते हैं तो ये हेडफोन्स मत लेना। एज़ फार एज़ बेस इज़ कंसर्न तो बेस है, ठीक ठाक है, जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पर वोकल्स क्लियर नहीं है, जैसे कि एक बैलेंस्ड फ्रीक्वेंसीज कहते हैं ना तो वैसा है। यहाँ पर ज़्यादा बेस का या फिर ज़्यादा हाइस का या फिर ट्रेबल का हो या फिर मिड फ्रीक्वेंसीज, ऐसा इन्होंने ठीक से ट्यून नहीं किया है, इसके वजह से ये म्यूज़िक के लिए तो बिल्कुल फिट नहीं होता है। तो क्लियरली मैं कह रहा हूँ अगर आप हेडफोन म्यूज़िक के लिए देख रहे हैं तो आई थिंक मोटरोला का वर्ब रैप 250 बहुत ही अच्छा है, या फिर आप वन प्लस का भी देख सकते हैं, बुलेट वायरलेस जो हेडफोन्स है। अदरवाइज मूवीज़ के लिए आप देख रहे हैं एंड एक कूल लुकिंग हेडफोन्स आप चाहते हैं तो रियलमी वायरलेस बड्स वर्थ द प्राइस मैं कह रहा हूँ। तो ये था मेरा वेरडिक्ट, आप क्या सोचते हैं, आप क्या ले रहे हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। अगर ये आपको रिव्यू पसंद है तो हिट दैट लाइक बटन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो नेक्स्ट वायरलेस ईयरफोन कौन सा रिव्यू करना चाहिए इस चैनल पर। तो दोस्तों होपफुली आपको ये रिव्यू हेल्प हुआ होगा, अगर है तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।